आमतौर पर स्क्रब टाइफस बरसात के दिनों में सक्रिय होता है क्योंकि उस दौरान घास ज्यादा रहता है, मगर इस बार बरसात के बाद भी स्क्रब टाइफस का असर जारी है। बीते 3 दिनों में IGMC में स्क्रब टाइफस के 11 नए मरीज आ चुके हैं, जबकि 5 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। 1 अक्टूबर तक IGMC में स्क्रब टाइफस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 284 था, जबकि 4 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़कर 295 हो गया है। रोजाना 3 से 4 मरीज IGMC में स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। जिस तरह से स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे लग रहा है कि इस माह के अंत तक स्क्रब के मरीजों का आंकड़ा 500 के पार जाएगा। हालांकि स्क्रब टाइफस के मरीज अब ज्यादा इसलिए भी आएंगे क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में घास काटने का दौर शुरू हो गया है। स्क्रब टाइफस का पिस्सू घास में रहता है, उसी पिस्सू के काटने से स्क्रब टाइफस होता है। IGMC अस्पताल में अब तक स्क्रब टाइफस के 295 मरीज आ चुके हैं। ये मरीज प्रदेश के विभिन्न जिला से आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2090 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत स्क्रब से हो चुकी है। स्क्रब टाइफस रोग एक जीवाणु रिकेट्सिया से संक्रमित पिस्सू माइट के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों से अधिकतर बना होता है। ये जीवाणु चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद फिर तेज बुखार आता है और जोड़ों में दर्द और कमकमी हो जाती है। शरीर टूट जाता है और अधिक संक्रमण में गर्दन, बाजू के नीचे, कूल्हों के ऊपर गिल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। बचाव के लिए घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें और घर के चारों ओर घास, खरपतवार ना उगने दें। और यहाँ ये बात भी दीगर है कि आसपास, घर के आसपास और घर के आंगन में हमारे पास जो टूटे हुए बर्तन होते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के बाद वहाँ पे मच्छर पनपते हैं और उन्हीं मच्छरों के काटने से एक तो स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ता है और कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में सफाई रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीय लोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।